हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग बाय एसपी। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर टू। लास्ट वन डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ टू। जब हमें कोई भी नंबर दिया जाता है और वो नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट चेक करना होगा। अगर यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू, देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय टू। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 2056। ये फोर डिजिट नंबर है। अगर हमें टू की डिविजिबिलिटी चेक करनी है फॉर दिस नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लास्ट डिजिट देखना होगा। यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट, 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल 1023, यहाँ पे क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट 3, एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस होल नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। इस तरह हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी फॉर 4। लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। 4 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट टू डिजिट्स चेक करने होंगे, यानी कि टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट आल्सो। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 2056, सेम एग्जांपल है। अगर हम लास्ट के टू डिजिट्स लेंगे यानी कि 56, तो 56 इज डिविजिबल बाय 4। जब लास्ट के टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एग्जांपल है 1023। इसमें लास्ट टू डिजिट क्या है, 2 3, एंड 2 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, लास्ट टू डिजिट्स चेक करने हैं। अगर लास्ट टू डिजिट्स लास्ट टू डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। फॉर 8 लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8। यानी कि टू चेक डिविजिबिलिटी फॉर 8, वी हैव टू चेक लास्ट थ्री नंबर्स। यहाँ पे लास्ट थ्री नंबर्स क्या है, 056, एंड इट इज डिविजिबल बाय 8। 8 7 56, हेंस दिस लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, हेंस द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट थ्री डिजिट चेक करने। 2 के लिए हमें यूनिट डिजिट चेक करना है, 4 के लिए हमें लास्ट टू डिजिट चेक करने हैं, और 8 के लिए लास्ट थ्री डिजिट्स। नाउ डिविजिबिलिटी फॉर 5। इन केस ऑफ 5 हमें क्या चेक करना है, अगर लास्ट यूनिट डिजिट 0 है, किसी भी नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट 5 और 0 है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे क्या लिया है हमने, 2 3 4 5, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे क्या है, 2 3 4 0, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 क्या है, वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट यूनिट डिजिट। इफ दैट यूनिट डिजिट्स आर 0 और 5, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी फॉर 10। हमें 10 के लिए सिर्फ ये चेक करना होगा कि लास्ट डिजिट 0 है या नहीं। अगर 0 है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर 0 नहीं है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थी ट्रिक्स अप टू 10। नेक्स्ट है 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3। हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 3 की, तो हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर दिया है उसके ऑल डिजिट्स की एडिशन करनी होगी। अगर वो एडिशन डिविजिबल बाय 3 हो, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे क्या लिया है हमने एग्जांपल 1 2 3, ये नंबर दिया हुआ है और इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है फॉर 3। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की एडिशंस लेंगे, इस डिजिट्स की एडिशन लेंगे, 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6।
एडिशन क्या आई यहाँ पे, 6, एंड दिस 6 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी जब चेक करनी हो तो हमें क्या करने का क्या करना होगा, जो नंबर दिया है उनमें जो डिजिट्स है उस ऑल डिजिट्स की एडिशन करनी होगी, और जो एडिशन आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3। देन वी से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी फॉर 9। 9 के लिए हमें क्या करना है, सेम जो नंबर दिया है उस नंबर के ऑल डिजिट्स की एडिशन करनी है, अगर वो एडिशन डिविजिबल बाय 9 हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है। फॉर एग्जांपल 7 to 9, तो एडिशन क्या आएगी, 7 + 2 + 9 विच इज इक्वल टू 18, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो वी कैन से दैट द नंबर 729 इज डिविजिबल बाय 9। हमें 3 एंड 9 के लिए क्या करना है, सिर्फ जो नंबर दिए हैं उनके डिजिट्स की एडिशन करनी है, और वो एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अगर एडिशन 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एंड लास्ट इज द डिविजिबिलिटी फॉर 6। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 एंड 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। पहले हम फॉर एग्जांपल 216 ये एग्जांपल लिया है हमने, एक नंबर लिया है, पहले हमें क्या करना होगा, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 इज डिविजिबल बाय इवन यानी कि डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होती है। अब हमें क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिजिट्स की एडिशन लेनी पड़ेंगी, यानी कि 2 + 1 + 6 विच इज इक्वल टू 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे ये नंबर जो दिया है 216 दोनों में डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करता है 2 और 3 की, तो हम क्या कहेंगे कि 216 इज डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 दोनों भी चेक करनी पड़ेंगी। 9 और 3 में क्या है, उन डिजिट्स की एडिशन लेनी है, अगर वो एडिशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा, अगर एडिशन 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए क्या करना है, ओनली लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट चेक करना है, अगर 0 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है, और अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, एंड 2 के लिए वी हैव टू चेक लास्ट डिजिट। तो ये है ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये रूल्स हम याद करके मेमोराइज करके कोई भी कितने भी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं फॉर अवर ईजियर कैलकुलेशंस। अब हमें क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ट्वाइस द यूनिट डिजिट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, यानी कि जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट नंबर ट्वाइस करने के बाद अगर हम उसे रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट करें तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, वो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 175, लास्ट यूनिट डिजिट नंबर क्या है 5, उसको क्या करना है, ट्वाइस 2 × 5 मीन्स 10, तो रिमेनिंग नंबर क्या है, 5 ये यूनिट डिजिट है, तो रिमेनिंग नंबर इज क्या, 17, तो 17 माइनस ट्वाइस द यूनिट डिजिट यानी कि 10 विच इज इक्वल टू 7, एंड द 7 इज मल्टीपल ऑफ 7, सो वी कैन से दैट 175 इज डिविजिबल बाय 7। हमें क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट यूनिट डिजिट उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है, और जो
आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7। अगर वो आने वाला आंसर डिविजिबल बाय 7 होगा तो हम क्या कहेंगे, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी फॉर 11। 11 के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो हमें क्या करना है, जो नंबर दिया है उसके जो डिजिट्स है, ऑड डिजिट्स जो है, ऑड नंबर पर जो डिजिट्स आएंगे उनके एडिशन लेनी है, और जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पर आएंगे उनके एडिशन लेनी है, और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, और जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 1, 3, 4, 2। 1 यहाँ पे, 1 की पोजीशन क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, और ये क्या प्लेस हो गई, ऑड प्लेस है यहाँ पे, इस 1 की प्लेस क्या हो गई, ऑड। यहाँ पे 3 सेकंड प्लेस, सेकंड पोजीशन पर है, तो इसकी प्लेस क्या है, इवन प्लेस। 4 दिस इज एट थर्ड पोजीशन, सो इट इज एट ऑड प्लेस। एंड लास्ट 4 विच इज एट इवन प्लेस। तो हमें क्या करने हैं, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनके एडिशन करनी है। यहाँ पे क्या है, 1 and 4 आर एट 1 and 3 पोजिशन, सो वी कैन ऐड देम, 1 plus 4 इज इक्वल टू 5। एंड जो नंबर्स इवन प्लेसेस पर है, यानी कि 3 and 2 आर दी नंबर्स विच आर एट इवन प्लेसेस, यानी कि सेकंड और फोर्थ पोजिशन पर है, तो हम इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनके एडिशन करेंगे, 3 plus 2 विच इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनके एडिशन माइनस ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनके एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे आंसर क्या है, इवन प्लेसेस डिजिट्स के एडिशन 5 माइनस ऑड प्लेसेस डिजिट्स के एडिशन 5, आंसर क्या आया, 0। तो अगर आंसर 0 है, यानी कि विच इज 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, सो हियर वी कैन से दैट 0 इज मल्टीपल ऑफ 11, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमें क्या करना है 11 के लिए, सिर्फ इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनके एडिशन करनी है माइनस ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनके एडिशन करनी है, और जो आंसर आएगा वो आंसर अगर 11 से डिविजिबल हो तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। और 7 के लिए सिंपल क्या करना है, 2 times यूनिट डिजिट नंबर, ट्वाइस द यूनिट डिजिट नंबर करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसे माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो आंसर मस्ट बी डिविजिबल ऑफ 7 है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इस तरह से हम इजीली रिमाइंड कर सकते हैं फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। जब हमें बहुत डिजिट्स के नंबर दिए जाते हैं तब हम ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इन कैलकुलेशन भी हम ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।